मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछौरिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो आज का मेरा ये वीडियो है वो हमारे लास्ट वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एडजेक्टिव की थ्योरी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। तो आज की जो हमारी टर्म है वो उसके आगे की ही नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट वर्जन है। तो वेल स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टर्म है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है होल एंड ऑल। तो हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि हम लोग जो होल और ऑल वर्ड है उसको किस तरीके से ग्रामर में यूज़ करते हैं, किसका कहाँ पर सूटेबल प्रयोग है, तो हम लोग समझते हैं। चलिए, होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इससे पहले द का प्रयोग करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग होल का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करेंगे तो इससे पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। सो वेन एवर वी यूज होल एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस वी यूज द बिफोर होल इन सेंटेंसेस। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वेस्टेड द होल डे। क्योंकि डे यहाँ पर नाउन है, उसके बारे में होल हमें बता रहा तो वो एडजेक्टिव हुआ और इससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे, क्योंकि वेन एवर वी यूज होल इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव वी यूज द बिफोर इट, करेक्ट। नेक्स्ट, आई वर्क द होल डे। तो सेम, देखिए यहाँ पर होल का यूज हुआ एज एन एडजेक्टिव, तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, होल का प्रयोग जब एक प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है तो इससे पहले द तथा बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द होल ऑफ इंडिया मॉन द डेथ ऑफ राजीव गांधी। देखिए समझने वाली बात क्या है, पहले इतना समझ लीजिए, जो ये राजीव गांधी है एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? एक प्रॉपर नाउन, ठीक है। और यहाँ पर जो होल वर्ड यूज हुआ है उसके आगे हमने द का यूज़ किया और उसके जस्ट बाद हमने ऑफ का यूज़ किया, और क्योंकि इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है इस सेंटेंस में, ठीक है। देखिए रूल पढ़िए, होल का प्रयोग जब प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है तो इससे पहले द तथा बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे द होल ऑफ इंडिया, इस सेंटेंस को समझ लिए, मॉन द डेथ ऑफ राजीव गांधी, यानी कि पूरे भारत ने विलाप किया राजीव गांधी की मृत्यु पर, पूरे भारत ने विलाप किया राजीव गांधी की मृत्यु पर। तो हमने द का प्रयोग होल से पहले किया और क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले ऑफ का यूज़ किया। नेक्स्ट, द होल ऑफ राजास देन वॉज इन ग्रिप ऑफ ड्रॉ। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर नाउन है राजस, ठीक है, तो राजस जो है एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने ऑफ का यूज़ किया और होल के पहले द का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट, ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है। पजेसिव नाउन या प्रोनाउन के साथ ऑल हमेशा उससे पहले लगता है। एक और नया रूल है, दोबारा पढ़ लीजिए, ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है। सो वेन एवर वी यूज ऑल विद द प्लूरल नाउन वी ऑलवेज यूज द आफ्टर द ऑल। पजेसिव नाउन एंड प्रोनाउन वी यूज ऑल विद देम ऑलवेज, ठीक है। चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी,
यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो एक प्लूरल नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो हमने जो ऑल यूज़ किया उसके बाद द यूज़ किया, ठीक है। हम लोग इससे पहले क्या देख रहे थे कि होल के पहले द यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑल के बाद द यूज़ हो रहा, दैट इज़ अ डिफरेंस। प्लस यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है, ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, यहाँ पर ये भी एक प्लूरल नाउन है, और ऑल के बाद हमने द का यूज़ किया। ऑल माई फ्रेंड्स, तो ये ऑल माई फ्रेंड्स जब पजेसिव केस आ गया नाउन से पहले तो फिर हमने द यूज़ नहीं किया, ठीक है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, तो यहाँ पर भी पजेसिव केस आ गया हिज, तो इससे पहले हमने द का यूज़ नहीं किया, ठीक है, क्लियर है। चलो हम लोग नेक्स्ट टर्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बोथ, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से इसका यूज करते हैं ग्रामर में, चलिए समझते हैं। बोथ का प्रयोग जब वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इसके बाद द का प्रयोग होता है। दा का प्रयोग कभी भी बोध के पहले नहीं किया जाता, ठीक है। हम लोग जब दा का यूज करते तो कभी भी बोध के पहले नहीं करते, हमेशा बोध के बाद करते हैं। चलो एग्जाम्पल, आई नो बोध दी वुमेन, तो देखिए दा का प्रयोग बोध के बाद हुआ ना कि बोध के पहले। हम ये नहीं लिख सकते इसमें आई नो दी बोध वुमेन, आई नो बोध दी वुमेन, शी नोज बोध द बॉयज, तो देखिए यहाँ पर शी नोज बोथ द बॉयज, तो यहाँ पर भी हमने जो दा का प्रयोग किया वो बोध के बाद किया ना कि पहले। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन के साथ बोथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, जैसे बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो। तो यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमने किसका यूज़ किया, बोथ ऑफ का, तो बोथ ऑफ देम कैन कम टुमारो, तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन के साथ हमने बोथ ऑफ का यूज़ किया। शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, यहाँ पे भी देखो अस के पहले हमने बोथ ऑफ का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट, बोथ का प्रयोग प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह भी किया जाता है, जैसे सी इन्वाइटेड अस बोथ, शी सेंड्स यू बोथ हर लव। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो पर्सनल प्रोनाउन है वो क्या है, अस, और यहां पर क्या है, हर, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ नॉट के प्रयोग की जगह नाइदर ऑफ देम का प्रयोग करना चाहिए, बोथ ऑफ देम आर नॉट हियर, दैट इज इनकरेक्ट, नाइदर ऑफ देम इज हियर, दैट इज करेक्ट। क्योंकि नाइदर का मतलब भी क्या होता, ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ये टर्म है जो मैंने आज समझाई है आपको, वेदर वी टॉक अबाउट होल एंड ऑल और बोथ, सो बोथ टर्म्स ऑफ एडजेक्टिव आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस एज वेल एज आर प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स, वेदर दे आर फ्रॉम BA LLB, LLB, BEd, DLED, BSc एग्रीकल्चर एंड सो ऑन, इवन फॉर द जनरल एस्पायरेंट्स टू। सो इफ यू आर जनरल एस्पायरेंट्स एंड वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, देन यू कैन वॉच माई वीडियो एंड हैव सम शॉर्ट ऑफ डिसेंसी, शॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन। सो वेल स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाकी इसी चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।